तो बहुत टाइम से आप लोगों के सामने इजराइल और फिलिस्तीन की अपडेट नहीं रखी है। आज बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है जिसमें हिजबुल्ला ने इजराइल को पूरी तरह से दहला दिया है। आज संडे है, शनिवार की यह खबर है। शनिवार की रात को हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल के ऊपर पूरी रात रॉकेटों की बारिश की गई है। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, क्लिक इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इजराइल पर दागे ईरानी रॉकेट। रात भर बरसे आग के गोले, खौफनाक मंजर देखने को मिला है। शनिवार की रात को हिजबुल्ला ने ईरान के जो दिए गए रॉकेट हैं उनसे इसराइल के ऊपर हमला किया है। ये बड़ा हमला हिजबुल्ला ने शनिवार की रात को किया है जिसमें इसराइल की मीडिया का ये दावा है कि इसराइल की मीडिया के अनुसार हिजबुल्ला द्वारा दागे गए रॉकेट में से एक क्रिया शमोना में एक इमारत से टकराया, दूसरा फुटपाथ पर जा गिरा, जबकि अन्य रॉकेट को रोक लिया गया और कुछ रॉकेट बस्तियों से दूर जंगलों में जाकर गिरे हैं। जिसमें इसराइल की मीडिया ने यह दावा किया है कि अभी कोई भी उसके अंदर हताहत होने की खबर सामने निकल कर नहीं आई है। दरअसल ये पूरा क्या मामला है और किस तरह से हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर रात में रॉकेटों की बौछार की है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। फिलिस्तीनी समूह हमास ने दावा किया जा रहा है कि जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात लगभग 1 बजे क्रिया शमोना, कफर गिलादी, मिसगाव अम, मरगलॉट और मनारा में सायरन का पहला दौर बजा। दूसरा सायरन उसी क्षेत्र में तड़के 2:30 बजे चलाया गया। वीडियो में हमले का खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। दरअसल इसके संग एक वीडियो भी शेयर किया गया है। उस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं दोस्तों, और जिसमें दावा किया गया है कि पहला जो है सीधे तौर पर सायरन 2:30 बजे बजा और दूसरा सायरन भी बजा। तो हिजबुल्ला भी इसराइल के ऊपर ईरान से लिए गए रॉकेटों से इसराइल के ऊपर बड़े हमला करता हुआ नजर आ रहा है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा।